हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जेबी रेटिंग चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप का नाम है एपिक ऐप। उस ऐप की मदद से आपको मैं लिप्स का कलर चेंज करूंगा एंड जो आई का कलर है उसको भी चेंज करके दिखाऊंगा एंड फेस को कैसे गोरा करें एंड फेस को स्मूथ कैसे करें। तो सभी में एडिटिंग सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अपने फोटो को सेलेक्ट कर लें, जो फोटो आप ऐड करना चाहते हो उस फोटो को शेयर करेंगे एपिक ऐप में। तो फाइनली दोस्तों, मेरी पिक हो गई एपिक ऐप में ओपन। यहाँ से पहले रिटच पे क्लिक करेंगे, जो लिखा है रिटच इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से लिखा है ब्लेमिश इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपके फेस पे जो पिंपल वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ से मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। और यहाँ से जो पिंपल वगैरह डस्ट वगैरह रह गए हो तो यहाँ से जो हैंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे मैनुअल पे। और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से जो आपके पिंपल वगैरह उस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ रिमूव जो डस्ट वगैरह है, पिंपल वगैरह। तो फाइनली दोस्तों, मैंने कर लिए हैं रिमूव। और यहाँ से आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हो रिमूव, अपने फेस को थोड़ा क्लीन बना सकते हो। और यहाँ से इतना करने के बाद में यहाँ से कर देंगे डन। और डन करने के बाद में यहाँ से आ जाएंगे बैक, फिर यहाँ से रिटच पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो लिखा है स्मूथ इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर देंगे फुल, फिर यहाँ से लिखा है फोर इस पे क्लिक करेंगे इसको भी फुल कर देंगे। फिर यहाँ से लिखा है मैट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो इस तरह से। फिर यहाँ से लिखा स्किन टोन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो टोन आप स्किन पे डालना चाहो और फेस को गोरा करना चाहो उस तरह से आप स्किन टोन अप्लाई करके यहाँ से कुछ इस तरह से गोरा कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने अपने फेस को गोरा किया था। तो आप भी कर सकते हो। और यहाँ से इतना करने के बाद में यहाँ से फिर और यहाँ से आगे के लिए स्क्रॉल करेंगे, ये लिखा है एडजस्ट इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जो एच एस एल लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी सेचुएशन को थोड़ा डाउन कर देंगे और यहाँ से लाइटनेस को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ से कुछ इस तरह से मेरी फ़ोटो है जो उसमें कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। और यहाँ से जो टोन है, जो जितना आप फेस को गोरा करना चाहो उतना आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ से कर देंगे हम डन। और यहाँ से डन करने के बाद में यहाँ से फिर ये लिखा है कॉन्ट्रास्ट इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। और यहाँ से फिर यहाँ से बैक आएंगे, इस ये लिखा है पोर्ट्रेट इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से पोर्ट्रेट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से लिखा है मेकअप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जो लिप्स पे आप कलर अप्लाई करना चाहो उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे तो यहाँ से बहुत सारे आपको टोन मिल जाएंगे, जो आप टोन डालना चाहो उसे डाल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इस वाले टोन को अप्लाई किया है। और यहाँ से आगे के लिए स्क्रॉल करेंगे और लिखा है आई कलर इस पर क्लिक करेंगे, जो आप लेंस में कलर डालना चाहो आई के लेंस में कलर डालना चाहो उसे डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ से कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरी पिक एडिट हो गई, रेडी हो गई है। बिफोर की पिक देखो और आफ्टर की। तो यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने पिक कर ली है एडिट। यहाँ से कर लेंगे इसको सेव। और यहाँ से सेव करने के बाद में इस पिक को हम प्रॉपर तरीके से फेस को स्मूथ करने के लिए एयरब्रश ऐप में शेयर करेंगे। यहाँ से लिखा स्मूथ इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से लिखा डुअल स्मूथ इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जो फेस पे है उसको अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने फेस को प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ किया था। तो आप भी कर सकते हो। और यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरी पिक एडिट हो गई, रेडी हो गई। तो अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।